वेलकम टू कोडेनिक्स। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए कैपकट की एडवांस्ड एडिटिंग टिप्स। एडवांस एडिटिंग टिप्स को यूज करते हुए अगर तो आपका बिगिनर लेवल है तो यकीन कीजिए कि आपकी एडिटिंग का एक लेवल अप हो जाएगा। अपनी एडिटिंग के लेवल को अप करने के लिए कोडेनिक्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। हम इस एडवांस कैपकट की एडिटिंग टिप्स में जो देखेंगे वो है टेक्स्ट बिहाइंड पर्सन, वीडियो इन टेक्स्ट, ट्रैकिंग इफेक्ट को देखेंगे, मल्टीपल फोटोज को वीडियो की एक स्क्रीन पे किस तरीके से ऐड करते हैं, टेक्स्ट स्लाइड्स इफेक्ट को देखेंगे, वाइड बॉर्डर अराउंड पिक इन पिक देखेंगे, मैस्किंग इफेक्ट्स को देखेंगे, ग्रीन स्क्रीन के जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्लोनिंग इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इन तमाम के तमाम इफेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ जो है टेक्स्ट बिहाइंड स्क्रीन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी वीडियो में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो वीडियो है उसको इंपोर्ट करना है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो सैंपल है जिसमें एक वीडियो जो है ये मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक दफ़ा देखते हैं क्या है वीडियो। ये एक वीडियो का शॉर्ट क्लिप है जिसमें जो लड़की है वो हाइकिंग कर रही है या किसी ट्रैक पे वो चल रही है। अब हम ये चाहते हैं क्योंकि ये कुछ सफ़र तय कर रही है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसके साथ हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करें। तो टेक्स्ट क्या ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को ऐड करने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, क्योंकि ये हाइकिंग कर रही है, कुछ सफ़र कर रही है, तो हम इसको लिख देते हैं ट्रैवल जर्नी, ट्रैवल जर्नी। अब इसका हम फॉन्ट स्टाइल पहले चेंज करते हैं। फॉन्ट स्टाइल जी ये देख लीजिए, ये फॉन्ट स्टाइल हमने चेंज कर दिया है। अब फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद हम कुछ इसका कलर स्कीम जो है चेंज कर देते हैं या प्रीसेट स्टाइल जो है उनमें से कोई स्टाइल जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लें जी ये मैंने स्टाइल चेंज कर दिया है। अब अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूँ इस टेक्स्ट को इस वीडियो के एंड तक, तो एंड तक इसको इंक्रीज करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। इस वीडियो को रन करते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ट्रैवल जर्नी जो आपने टेक्स्ट लिखा था वो वीडियो की जो फ्रंट साइड है या सबसे फ्रंट पे वो टेक्स्ट आ रहा है, पीछे वीडियो चल रही है, लेकिन ये कुछ सूटेबल नहीं शो हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बैकवर्ड नज़र आए और हमारा जो पर्सन है वो चल रहा है वो वीडियो में फ्रंट साइड पे शो, मतलब कि टेक्स्ट है हमारा वो बैक साइड पे अलाइन हो जाए। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो वीडियो क्लिप आपने टेक्स्ट ऐड किया है इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद ओपन फोल्डर, एक्सपोर्ट की हुई जो फाइल है हमारी हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे इस कैपकट में। कैपकट में इंपोर्ट करने के बाद ये जो हमारी एडिटेड फाइल्स हैं इसको हम डेल कर देंगे। अब क्या करना है, हमने जो हमारी एडिटेड फाइल है जिस पे हमने ट्रैवल जर्नी लिखा है उसको पहले हम इंपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर ओवरले करेंगे। ओवरले करेंगे हम उस फाइल को जिस फाइल के ऊपर हमने एडिटिंग करके दूसरी फाइल बनाई। ये हमारी दोनों फाइल जो है इंपोर्ट हो गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करता हूँ तो जस्ट हमारी जो ऊपर वाली लेयर है वो शो हो रही है, नीचे वाली वीडियो की लेयर शो नहीं हो रही। इसके लिए हमने क्या करना है, ऊपर वाली लेयर को क्लिक करने के बाद हमने जाना है कटआउट में। कटआउट में जाने के बाद ऑटो कट पर क्लिक करेंगे। ऑटो कट पर क्लिक करेंगे तो आफ्टर अ कपल ऑफ सेकेंड्स ये प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट शो करेगा जी। ये प्रोसेसिंग हो गई है। अब आपने फर्क देखना है, फर्क क्या है, जैसे ही हमने ऑटो कट किया है इसने जो ऊपर वाली लेयर थी हमारी उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है और जस्ट वो फीमेल जो है वो हमें शो हो रही है जाते हुए। और इसी के साथ साथ तो क्योंकि ये दोनों लेयर जो हैं उसकी फाइल्स की दोनों एक साथ कंबाइन हो गई हैं और कंबाइन होने की वजह से इनका जो इफेक्ट है
वो एक साथ शो हो रहा है, लेकिन इसमें एडिशन क्या है, जो टेक्स्ट हमने ऐड किया था वो टेक्स्ट हमारा फीमेल की बैक साइड पे शो हो रहा है, मतलब कि उसमें वीडियो में बैक साइड पे अलाइन है, फ्रंट साइड पे अलाइन नहीं है। इसको रन करते हैं, इससे आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से टेक्स्ट को ऐड किया है। अब हम ये देखेंगे कि वीडियो को हम टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, देखते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक्स्ट पे जाना है और डिफॉल्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहां पे हम करेंगे टेक्स्ट ऐड, जिस टेक्स्ट में हम वीडियो को ऐड करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज यहां पे मैं लिखता हूं ट्रेवल जर्नी। अब ट्रेवल जर्नी मैंने लिखा है, इसको मैं थोड़ा स्केल अप कर देता हूं, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। यहां पे ये हमने फॉन्ट साइज चेंज कर लिए है। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो प्रीसेट स्टाइल्स हैं उसमें से कोई स्टाइल जो है इसको दे देते हैं। लेट्स सपोज ये वाला स्टाइल हम दे देते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट के अंदर जो इसके अल्फाबेट्स हैं उसमें मैं वीडियो को ऐड करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि हमने इसको पहले एक्सपोर्ट कर लेना है, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको एक्सपोर्ट करते हैं जी। एक्सपोर्ट करने के बाद उसको हम जो वीडियो एक्सपोर्ट की थी उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, और उसके अलावा हम इंपोर्ट कर लेते हैं उस वीडियो को जिसको हम इस टेक्स्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, पहले उस वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे, पहले हम इस वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था, ट्रेवल जर्नी जो भी लिखा था हमने एक टेक्स्ट, जो वो वीडियो हमने एक्सपोर्ट की थी उस वीडियो को हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये इंपोर्ट कर लिए, अब इसको हमने ओवरले कर देना है उस वीडियो पे जिस वीडियो को हम टेक्स्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं। ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट वीडियो जो हमारी टेक्स्ट वाली वीडियो है उस पर क्लिक करेंगे, कटआउट पे जाएंगे, क्रोमा की सिलेक्ट करेंगे, कलर पिक करेंगे, और ये मैंने कर लिया जी कलर पिक। कलर पिक करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। अब देखें मैंने स्ट्रेंथ बस एक पॉइंट तक बढ़ाई है, या मैं इसको दो पॉइंट तक करूं तो नीचे से वीडियो जो है वो हमारी पूरा जो वीडियो का सरफेस है उस पर शो हो रही है, बट हमें बस चाहिए टेक्स्ट के अंदर, तो जस्ट हम एक पॉइंट तक बढ़ाएंगे। जब हम एक पॉइंट तक बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी वो वीडियो जो है टेक्स्ट के अंदर शो होती नजर आएगी हमें। ये वो सिंपल मेथड है जिसके जरिए से हम टेक्स्ट के अंदर वीडियो को ऐड करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम मोशन ट्रैकिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं डाटा, जिसके बिहाफ पे हम ये चेक करना चाहते हैं कि मोशन ट्रैकिंग किस तरीके से होती है। मेरे पास एक वीडियो फाइल है, इसको ये इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद यहां पर मैं क्या करूंगा, सेम ही वीडियो को मैं कॉपी करके ओवरले कर लूंगा। इसको मैं ओवरले कर लेता हूं इसी के ऊपर, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं, इसको दोबारा से इंपोर्ट करके इसको इसके ऊपर ओवरले कर लेते हैं। ओवरले करने के बाद जो ऊपर वाली लेयर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहां पे मैं ऐड करता हूं कोई स्टिकर ऐड करता हूं, ये एरो साइन वाला स्टिकर ऐड करके इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं साइज में, और टिल्ट कर लेता हूं। हम मोशन चेक करना चाहते हैं इस बॉडी की मोशन चेक करने के लिए, इसको एरो साइन को हमने बॉडी की तरफ मूव कर दिया है, इसको मैं इनहेंस कर देता हूं। ये हमारा एरो साइन जो है वो ऐड हो गया किसके साथ, बॉडी के साथ। अब क्या करना है, अब हमने सेम उसी वीडियो क्लिप पे क्लिक करते हुए इसके ऊपर देखना है, ये ऑप्शन आ रहा है ट्रैकिंग का, ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे, और मोशन ट्रैक पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ये बॉक्स शो होगा। ये बॉक्स जो शो हो रहा है इसको आप इनहेंस कर लें, बड़ा कर लें, इनलार्ज कर लें आप इसको। ये इसको मैंने इनलार्ज कर लिया है, और इनलार्ज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन पूछा है डायरेक्शन, आप कौन सी डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, बोथ में, मतलब बोथ कौन कौन सी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आप दोनों सिमतों में, या मतलब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में आप मोशन ट्रैक करना चाहते हैं, या किसी एक डायरेक्शन में आप मोशन ट्रैकिंग करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में करना चाहते हैं तो बोथ पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज फॉरवर्ड पे या बैकवर्ड पे, जिस डायरेक्शन में आप मोशन ट्रैक करना चाहते हैं। मैंने बोथ पे कर दिया है क्योंकि मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन पे
चेक करना चाहता हूँ। उसके बाद ये स्केल है, इसको भी ऑटो पे रहने दें, ऑन रहने दें। डिस्टेंस है, इसको भी ऑन रहने दें और इस स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक कर देते हैं। आफ्टर कपल ऑफ सेकेंड्स ये ट्रैकिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं वीडियो को। एक्सपोर्ट करके ये इसको वीडियो को ओपन किया है तो ये आप देख सकते हैं कि एरो साइन जो है हमारा जिधर जिधर बॉडी मूव कर रही है वहीं पे ये जो हमारा एरो साइन है वो हमें बॉडी की ट्रैकिंग का बता रहा है। तो इस तरीके से हम मोशन ट्रैकिंग करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वीडियो में हम डिफरेंट पिक्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल पिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे वीडियो को। लेट्स सपोज ये ही मेरी वीडियो है और इसमें मैं डिफरेंट पिक्स जो है उसको ऐड करना चाहता हूँ। पहले एक दफ़ा डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। वो तमाम पिक्चर्स जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हम उस वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करते ही इंपोर्ट करने के बाद अब हम ये डिफरेंट पिक्स जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले ये वाली पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ले आता हूँ जहाँ पे मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। इस पिक्चर को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो स्केल जो है इसका बड़ा है। इस पिक्चर पे क्लिक करके इसकी स्केलिंग करेंगे हम। बेसिक पे ले जाके इसका स्केल छोटा करेंगे। स्केल छोटा करके इसको हम प्लेस कर देंगे किसी एक कॉर्नर पे। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट पिक यहाँ तक जब आ जाए तो उसके बाद हमारी सेकंड पिक ऐड हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेकंड पिक ऐड कर देता हूँ। अब इसका भी जो साइज है वो बड़ा है। स्केल पे क्लिक करके इसकी हम जो स्केलिंग है कर देंगे और इसको सेट कर लेंगे किसी कॉर्नर पे। लेट्स सपोज ये यहाँ पे आ गई। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से ये यहाँ तक जब आए तो हमारी थर्ड पिक्चर जो है वो आ जाए। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसका भी स्केल बड़ा है, इसका साइज छोटा कर देते हैं। इसको मैं इधर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इस पिक को मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ और इसकी भी स्केलिंग जो है कर लेते हैं और इसको मैं इस कॉर्नर पे लगा देता हूँ। अब ये फोर पिक्स जो हैं हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन पे कुछ इफ़ेक्ट्स भी लगे हों तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन पे जाएंगे। जिस पिक पे हमने क्लिक किया है जिस पिक पे हमने क्लिक किया है हमने एनिमेशन पे जाके जो इन होने वाले एनिमेशन स्टाइल्स हैं उनमें से किसी एक स्टाइल को हमने इस पे अप्लाई कर देना है। ये वाला हम देखना चाहते हैं, इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इसके लिए डबल क्लिक करेंगे, थर्ड वाले पे हम ये स्टाइल लगा देते हैं, फोर्थ वाले पे ये स्टाइल लग जाता है, फर्स्ट वाले पे ये स्टाइल लगा देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एनिमेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो ये एरो साइन शो हो जाएंगे आपको कि ये वाला जो इस पे एनिमेशन स्टाइल है वो अप्लाई हो गया है। इसके बाद आउट के लिए हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट वाले पे ये वाला रोटेट वाला है, सेकंड वाले पे ये कुछ इस तरीके से ये गायब हो जाए, थर्ड वाली पिक जो है ये कुछ इस तरीके से गायब हो जाए, फोर्थ वाली जो है ये कुछ डिफरेंट मेथड से गायब हो जाए। अब अगर मैं इनको यहाँ से देखूँ तो किस तरीके से चलती है, ये फर्स्ट पिक आई जी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये आउट हो रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये वो मेथड है जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट पिक्स को, मल्टी पिक्स को एक वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं।
अब हम ये देखेंगे कि टेक्स्ट स्लाइड इफेक्ट को किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले कैनवा को ओपन करेंगे, गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे कैनवा जो है, कैनवा को ओपन करेंगे। कैनवा का अकाउंट जो है आप कैनवा डॉट कॉम पर फ्रीली भी डिज़ाइन जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन वाला 16:9 रेशो को सिलेक्ट करके ये आपके पास एक वाइट ब्लैंक पेज आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और इसके कलर पे क्लिक करने के बाद इसको कोई डार्कर कलर दे देंगे या कोई लाइटर, कोई सिंगल कलर। लेट्स सपोज इसको हम ये कलर दे देते हैं। कलर देने के बाद इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और पीएनजी नहीं, हम जेपीजी जो है फॉर्मेट जेपैग वो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके हम उसको इम्पोर्ट कर लेंगे कैपकट में और वीडियो हम ऐड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं जी वीडियो को, जिस वीडियो के साथ हम इसे ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज यही वीडियो है, अब हम इसी के साथ ही ऐड करना चाहते हैं। पहले वीडियो को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ इस स्लाइड को, यहाँ पे इसको ऐड करके इसको हम थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। इस पे हम लिखेंगे जी टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट करते हैं हम, ट्रैवलिंग इज की टू फ्रेश योर माइंड। इसकी स्केलिंग कर लेते हैं जी। इसको बाद हम इसको कलर स्कीम जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी प्रीसेट में से स्टाइलिंग कर सकते हैं। जी तो ये हमने चेंज कर दिया है। इसके बाद जब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जहाँ पे हमने वो स्लाइड ऐड की है वहाँ हमारी स्लाइड ही जस्ट शो होगी, वीडियो क्लिप वहाँ पे नहीं शो होगा। इस पे हम स्लाइड पे एनिमेशन भी लगा सकते हैं, एनिमेशन हम इन के लिए लगा देते हैं जी। इन जब हो तो कुछ इस तरीके से हो, आउट हो तो इस तरीके से हो। स्टार्ट करते हैं जी इसको जी विद एनिमेशन, हमारी स्लाइड जो है टिल्ट हुई है और आउट भी इसी तरीके से हो जाएगी। ये हमारा आउट वाला एनिमेशन स्टाइल है। तो ये मेथड है जिसके जरिए से हम स्लाइड वाले टेक्स्ट को ऐड करते हैं वीडियो में। अब हम ये देखेंगे कि वाइट बॉर्डर जो है पिक इन पिक के अराउंड किस तरीके से लगाते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले एक वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है। इसको इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, एक हमने पिक बनानी है। इसके बाद हमने कैनवा को ओपन करना है, कैनवा डॉट कॉम को ओपन करना है। कैनवा डॉट कॉम को ओपन करने के बाद प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, प्रेजेंटेशन पे 16:9 की रेशो को देखते हुए यहाँ पे वाइट पेज आ गया। इसको हम सबसे पहले करेंगे ग्रीन या किसी और कलर का कर लें आप। ग्रीन करने के बाद यहाँ पे हम एलिमेंट्स में से सर्कल को ड्रॉ करेंगे, इसमें इसको थोड़ा साइज जो है बढ़ा लेंगे। इसको हम कर देते हैं अंदर से वाइट, इसको हम जेपैग में सेव कर लेंगे। ये आ गया जी जेपैग, सेव कर लिया। डाउनलोड करने के बाद कैपकट को ओपन करेंगे, कैपकट को ओपन करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो हमने पिक बनाई है जेपीजी फॉर्मेट में इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद क्या करेंगे हम, पहले ये जो हमने ब्लू कलर का एक पेज बनाया था इसके अलावा हमने जो एक ब्लू कलर का प्लेन पेपर जो रेडी किया था, प्लेन पेंट वाला पेपर, उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। इसको हम इंपोर्ट करेंगे इसके ऊपर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
और मैं ये चाहता हूं कि इसी के ऊपर मेरी ये जो पिक है वो यहां से शो हो यहां तक, जिसके अराउंड वाइट बॉर्डर हो। उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से कटआउट में जाऊंगा, क्रोमा की में हम कलर पिक करके इसको बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, तो ये वाइट जो है सर्कल वो इधर हमारे पास साइड पे आ जाएगा, इसको हम साइड पे कर लेंगे। उसके बाद इसको कॉपी करें सेम वीडियो को, यहां पे पेस्ट कर देते हैं जी। पेस्ट करने के बाद जब यहां पे आएगा तो इस पे हम मास्किंग का इफेक्ट लगाएंगे, मास्क वाले में हम सर्कल वाला मास्क लगा के हम चाहते हैं कि हमारी इतनी फोटो जो है वो सर्कल में शो हो। उसके लिए हम ये वाला सर्कल वाला जो मास्क है इसको सेलेक्ट करके बेसिक में जाएंगे और इस पिक का साइज जो है वो छोटा करके इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और एडजस्ट इस तरीके से करना है कि हमारी पिक जो है उसके अराउंड बॉर्डर जो है वो एग्जैक्ट शो हो। उसके बाद यहाँ से हमने उसको डेल कर दिया है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पिक के अराउंड व्हाइट बॉर्डर जो है वो शो हो रहा है। अगर मैं इसको पूरी स्क्रीन पे ही बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसमें हम आपको सिखाएंगे क्या, ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको हाइड कर दूं किस तरीके से इजीली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आज के इस फ्री लॉन्चिंग के दौर। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए से हम पिक के अराउंड व्हाइट बॉर्डर लगाते हैं। सबसे पहले हम एक वीडियो पे नजर डालते हैं जो मैंने ये इंपोर्ट की है, ये है जी वीडियो। अब इस वीडियो में यहां तक कुछ नहीं है, इसके बाद एक बच्चा जो है वो आ रहा है और दरख्त के पीछे से ये जा रहा है। अगर हम ये चाहें कि हम इसको बस यहां तक शो करें कि दरख्त के पीछे से जाके आगे वो शो ना हो कि वो कहां गया है कहां नहीं गया, आगे गया या पीछे गया, तो उसके लिए हम मास्किंग टूल यूज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो यहां तक हमारे पास एक वीडियो में जहां तक ये हमारे पास कुछ नहीं शो हो रहा, इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इसको हम नीचे वाली लेयर में ले आएंगे जिस जहां पे वो आया था, और जहां पे वो नहीं शो ऑफ हुआ उसको हम ऊपर वाली लेयर में ले जाएंगे। ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, मास्किंग पे जाएंगे और स्प्लिट मास्क यूज करेंगे। स्प्लिट मास्क को यूज करते हुए हम इसको रोटेट कर देंगे इस तरीके से, इसको हम रोटेट करके इसको इस साइड पे 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर देंगे। और जब रिमूव कर देंगे तो फिर इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो हमें ये शो हो रहा है, और उसके बाद यहां से आगे मूव होता नहीं शो हुआ। अब ये आगे ब्लैक का आ रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट, इसके बाद ब्लैक स्क्रीन शो हो जाती है। तो इसको हम जहां पे ये इस वीडियो का एंड है इसको भी हम वहीं पे एंड कर देते हैं जी। काट दिए, दोबारा से इसको चला के देखते हैं। हमने मास्किंग का टूल स्प्लिट मास्क का यूज करके उसको 90 डिग्री पे रोटेट किया है, जिसके बाद हमें ये रिजल्ट शो हो रहा है। पहले कौन सी वीडियो थी, पहले थी कि वो एक बच्चा जो है वो गुजर रहा है वहां से और वो एक दरख्त के पीछे से होके आगे चला जाता है, लेकिन जब हमने मास्किंग का टूल यूज किया है उस टूल को यूज करके वो हमें जस्ट उस ट्री के पीछे जाता नजर आ रहा है, बट वहां से आगे वो किधर मूव होता है वो नहीं शो हो रहा। इस तरीके से हम मास्किंग का टूल यूज करते हुए सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं।
अब हम ये देखते हैं हम किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन के जो इफेक्ट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन के जो इफेक्ट्स हैं उनको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप YouTube को ओपन करें। YouTube के ओपन करने के बाद यहां पे लिखते हैं ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स, एक्सप्लोजन इफेक्ट्स या दूसरे वीडियो इफेक्ट्स जो हैं आप वो यहां से जो है डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिफरेंट इसके इफेक्ट्स आ जाएंगे। ये यहाँ पे टाइगर वाक है, दूसरे ये बुलेट की है फुटेज है, और डिफरेंट ये ग्रीन स्क्रीन के इफेक्ट्स हैं। आप इन इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। मैंने ग्रीन स्क्रीन एक्सप्लोजन इफेक्ट जो है विद साउंड ये डाउनलोड कर लिया है। अब क्या करते हैं हम अपना कैपकट ओपन करते हैं। मैं ये चाहता हूँ मेरे पास ये जो वीडियो शो हो रही है जिसमें बच्चा आ रहा है और ये आगे से जा रहा है दरख्त के पीछे से, तो मैं ये चाहता हूं इस पे मैं ग्रीन स्क्रीन का एक्सप्लोजन इफेक्ट जो है वो लगा दूं ग्रीन स्क्रीन का। उसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूं जी ग्रीन स्क्रीन का जो इफेक्ट है, ये मैंने एक्सप्लोजन इफेक्ट जो है वो डाउनलोड किया है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। इसको पहले करेंगे हम ओवरले इसके ऊपर, अच्छा जी अब कर लिया हमने ओवरले। हम यहां से इस वीडियो को पिक करेंगे, इसका हमने ग्रीन स्क्रीन का क्रोमा की का कलर पिक करके इसको रिमूव करना है। कटआउट पे जाएंगे, क्रोमा की पिक का कलर, स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज कर देते हैं। तो अब अगर हम देखें तो स्टार्ट करके चेक करते हैं तो ये हमारा साउंड आ रहा है इधर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो एक्सप्लोजन है ये इस पर्सन के ऊपर हो। तो क्या करते हैं इसकी सेटिंग करके इसको इधर ले आते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं जी। ये है जी इसका एक्सप्लोजन इफेक्ट। अभी तो फिल वक्त ये आ रहा था एक्सप्लोजन का जो इफेक्ट है वो पर्सन के फ्रंट साइड से, पर्सन की फ्रंट साइड से ये इसका एक्सप्लोजन इफेक्ट शो हो रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि एक्सप्लोजन इफेक्ट जो है बैक साइड से शो हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम इस वीडियो को कॉपी करेंगे, पेस्ट करके इसको ओवरले कर देंगे ग्रीन स्क्रीन के ऊपर। हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑटो कट पे क्लिक करेंगे तो एक टाइम लेगा, कुछ कपल ऑफ सेकंड्स के बाद ऑटो कट कर देगा, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये हमारा एक्सप्लोजन जो है यहां से नहीं शो हो रहा था। ये आप देख सकते हैं ऑटो कट करने के बाद ये स्क्रीन के आगे से, अब ये एक्सप्लोजन से आगे से। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए से हम एक्सप्लोजन इफेक्ट्स जो ग्रीन स्क्रीन के हैं और उसके अलावा ग्रीन स्क्रीन के जितने भी दूसरे इफेक्ट्स हैं उनको हम फ्रंट साइड से या बिहाइंड दैट पर्सन यूज कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्लोनिंग क्या चीज होती है और कैपकट में क्लोनिंग इफेक्ट किस तरीके से लगाया जाता है। अब सबसे पहले क्लोनिंग के इफेक्ट को देखने से पहले एक वीडियो को मुलाहजा फरमाएं। अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ, परेशान इस वजह से हूँ क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन प्रोग्रामिंग के जितने भी कोर्सेज हैं वो तमाम के तमाम पेड हैं। मैं यूट्यूब से भी सर्च किया है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी सर्च किया, लेकिन सारे पेड कोर्सेज की वजह से मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं उन कोर्सेज को खरीद के काम कर सकूं। मैं परेशान हूं कि मैं किस तरीके से महदूद वसाइल में रहते हुए अपना ये जो इंटरेस्ट है इस पे किस तरीके से काम कर सकूं। आप ही मुझे कोई ना कोई मशवरा दो जिस पे चल के मैं कुछ ना कुछ मेहनत करके कुछ कर सकूं, कुछ बन सकूं। अरे यार तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, Codanix.com पे जाओ या Codanix के YouTube चैनल पे सर्च करो, आपको डाटा साइंस से रिलेटेड जितने भी तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स पे फ्री काम मिल जाएगा, जिसमें पाइथन है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी तमाम कोर्सेज हैं वो तमाम के तमाम फ्रीली वहां पे पड़े हुए हैं। आपको जस्ट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक
अपना जो भी कोर्स है उससे रिलेटेड अपना डाटा इकट्ठा करो और उस पे अपना काम स्टार्ट कर दो। परेशान होने वाली तो बात ही नहीं है। इस वीडियो में आपने देखा है कि किस तरीके से सेम पर्सन ही मैं ही हूं, मतलब वो किस तरीके से खुद ही अपने साथ ही गुफ्तगू कर रहा हूं। तो ये किस तरीके से क्लोनिंग इफेक्ट जो है अप्लाई किया जाता है उसको देखते हैं। उसके लिए मैंने ये एक वीडियो क्लिप जो है इंपोर्ट कर लिया है। अब ये वीडियो क्लिप जो है इसमें दो काम किए गए हैं। एक तो पहले यहां से क्वेश्चनिंग स्टार्ट है, यहां से पहले पहले जो है वो हमारे काम का नहीं है। यहां से सुनते हैं जी, नॉइस रिडक्शन पहले कर लेते हैं। अरे यार मैं बहुत परेशान इस वजह से क्योंकि मैं प्रोग्राम, अब यहां से हमारा यहां तक जो पोर्शन है वो आ जाता है जी हमारा बात करने का, कि पहले हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं मुकालमे में और उसके बाद यहां तक जो है ये बात करने वाले के जवाब में जो बात कर रहा है उसका सुनने के लिए है। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद यहां से जो है ये बात करने वाले की बात सुनी जा रही है और ये एट द एंड यहां तक बात चल रही है। अच्छा जी, अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये बात करने वाले की बात यहां पे सुन रहा है, और ये हमें चाहिए यहां तक। इसके बाद हमें ये वाली चीज चाहिए, हमने इनको ओवरले कर लेना है। ओवरले करके जो एक्स्ट्रा है हमारे पास उसको हम काट के डेल कर देंगे स्प्लिट करके। अब यहां पे अगर मैं नीचे वाली ले को हाइड करूं तो ये चीज आ रही है कि वो सुन रहा है, और अगर ऊपर वाली को हाइड करके नीचे वाली देखूं तो ये चल रही है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, यहां पे यूज होता है मास्किंग इफेक्ट। ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करेंगे और यहां पे जाएंगे मास्क पे। मास्क पे क्लिक करने के बाद स्प्लिट वाला मास्क जो है इसको यूज करेंगे। अब देखें तो यहां ऊपर वाली लेयर में, यहां पे मास्क में हाफ में कौन सी लेयर आ रही है, जो ऊपर वाली है, और नीचे वाली में वो जो नीचे वाली शो हो रही है। हमने इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है कि हमें दोनों लेयर्स यूं हो। इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। अच्छा, ये देखें ये बात कर रहा है और ये सुन रहा है। अब ये शो हो रहा है। यहां से हम आगे चलेंगे और यहां पे हम इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये स्प्लिट वाले पे क्लिक करेंगे तो अगेन हमें ऊपर वाली लेयर इधर राइट साइड पे और नीचे वाली लेयर लेफ्ट साइड पे शो हो रही है। इसको रोटेट कर देंगे हम 90 डिग्री पे। जब रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमें दोनों जो है ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब इसको अगर मैं यहां पे रन करता हूं तो ये हमारे पास क्लोनिंग का इफेक्ट आ रहा है। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए से हम कैपकट में मास्किंग का टूल यूज करते हुए क्लोनिंग का इफेक्ट जो है लगाते हैं।